दिल्ली के स्पाइसी चटखारे। आज मैं आपको टमाटर की चटनी बनाना सिखाऊंगी। आजकल टमाटर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बड़े बड़े और रेड रेड टमाटर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको टमाटर की चटनी बनाना सिखाऊं। ये बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है और बहुत मज़ेदार भी होती है, और गर्मियों के अंदर तो हल्का खाने को अगर कभी आपका दिल चाहे तो आप जल्दी से जाएं और ये टमाटर की चटनी बनाएं और इन्जॉय करें, खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको ये चटनी खाने में और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह ये तैयार होगी। 8 टमाटर लिए हैं मैंने, बड़े बड़े टमाटर लिए हैं और ये मैंने काट लिए हैं। 6 प्याज लिए हैं दरमियानी, ये भी मैंने बारीक बारीक काट ली। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने। 1 चाय का चम्मच नमक, 4 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं ये भी मैंने काट ली, और 1/2 कप ऑयल। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है। प्याज को मैं ब्राउन करूंगी, लाइट ब्राउन। प्याज ब्राउन हो रही है मेरी, हल्की ब्राउन करनी है। अब प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टमाटर डाल दिए मैंने, मिर्चे भी मैं अभी डाल दूंगी। 1 चाय का चम्मच मिर्चे और 1 चाय का चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं नमक मिर्च जितना भी आपको सही लगता है। ये मिर्चे भी मैं अभी डाल दूंगी और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब पानी खिसक होगा तो फिर मैं इसको भूनूंगी। टमाटर घुलने शुरू हो गए हैं और मैं बस इनको इस तरह चम्मच से इनके तोड़ दूंगी टमाटरों को, और वफ़े वफ़े से मैं इसके अंदर चमचा चलाती रहूंगी। जब ये पक जाएंगे फिर मैं इसको भूनूंगी। बस हमारी चटनी तैयार होने वाली है, बस मैं इसको हल्का सा भूनूंगी, इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो ये तैयार हो जाएगी हमारी चटनी, मज़ेदार चटनी हमारी। टमाटर भी अच्छे से घुल चुके हैं, बस मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद इसको फिर मैं डिश आउट करूंगी। चूल्हा मैंने तेज़ कर लिया है, तेज़ चूल्हे के ऊपर मैं इसको भून रही हूँ। चटनी हमारी भून चुकी है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। हमारी टमाटर की चटनी तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ज़बरदस्त बनी है, और खाने में तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़ेदार होगी। आप इसके अंदर मिर्चे, नमक और ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा। ये गर्मियों में ज़रूर बनाया करें, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार भी होती है। मैंने इसके साथ सलाद भी बनाया है, आप ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली वालों को बना के ज़रूर खिलाइएगा, उनको भी बहुत पसंद आएगी, आपको और आपकी फैमिली वालों को। अगर मेरी ये टमाटर की चटनी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली वालों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।